और जो महत्वपूर्ण एक घटना जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूँ 5 जनवरी का है, आज से 2 दिन पहले का। सबसे बड़े लोकतंत्र देश के शासकीय मुखिया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से पंजाब में जो एक कार्यक्रम के अंदर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा की है और उसमें अवरोध पैदा भी हुआ है, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का किसी एक राज्य में इस प्रकार से अवरोध पैदा किया जाए तो ये निंदनीय है। इसको किसी भी सूरत में स्वीकार करना मैं कहता हूँ मूर्खता होगी। देश के प्रधानमंत्री जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मैं समझता हूँ कि आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ये प्रधानमंत्री हैं। देश यानी नववर्ष के शुरू होते ही कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ है जिसकी जरूर मैं चर्चा सबसे पहले करना चाहूँगा, और जो महत्वपूर्ण एक घटना जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूँ 5 जनवरी का है, आज से 2 दिन पहले का, कि देश के हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के शासकीय मुखिया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से पंजाब में जो एक कार्यक्रम के अंदर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा की है और उसमें अवरोध पैदा भी हुआ है, किसी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का किसी एक राज्य में इस प्रकार से अवरोध पैदा किया जाए तो ये निंदनीय है। इसको किसी भी सूरत में स्वीकार करना मैं कहता हूँ मूर्खता होगी। तो इसलिए इसकी निंदा के साथ साथ मैंने तो पंजाब में जो वर्तमान सरकार है उसको बर्खास्त करने की अपील भी की है और राष्ट्रपति शासन लगा करके ही और वहाँ के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि चुनाव में आखिर सब पार्टियों के बड़े नेता भी आएंगे। देश के प्रधानमंत्री योगी, उन्होंने स्वयं कहा है कि इस कार्यक्रम को मैं पोस्टपोन करता हूँ और इसमें दोबारा से कार्यक्रम करने के लिए ज़रूर आऊँगा, तो कोई भरोसा ऐसा नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था वो पुनः बहाल कर पाएंगे। तो इसलिए इसकी मैं निंदा करता हूँ और ये जो षडंतकारी जो घटनाक्रम किया गया वहाँ पर, इस को किसी भी तरीके से कोई भी देश और दुनिया का कोई भी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला नेता ये स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जो इंसिडेंट हुआ पंजाब में, इसको पंजाब गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी मानेंगे या लैब सिक्योरिटी लैब मानेंगे इसको? देखिए, 2 कमेटियां बन गई हैं, एक पंजाब सरकार ने भी बनाई है और एक MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी बनाई है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई है। अब ये सारी चीज़ें इस लेवल पर कहना एकदम दुरुस्त नहीं होगा। ये कमेटियां जैसा ही अपनी रिपोर्ट देंगी, उस रिपोर्ट के बाद पता लग जाएगा कि वो कितना बड़ा षड्यंत्र उन्होंने किया, कितना बड़ा लैप्स है। लैप्स तो एकदम फर्स्ट इंस्टांस पर दिखता ही है, प्राइमा फेसी दिखता ही है। आखिर जब मौसम ख़राब है और हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं जा पा रहा है और उसके बाद अल्टरनेटिव रूट, चाहे साफ मौसम भी होता है तब भी इस प्रकार के जो रूट की अल्टरनेट व्यवस्था एक रखी ही जाती है, हर जगह रखी जाती है, और वो पुलिस है फिर बाकी जो फोर्सेज हैं उन सबको बताया जाता है, वो क्लियरेंस देते हैं। क्लियरेंस देने के बाद ही प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट शुरू होती है। अब उन्होंने क्लियरेंस भी दे दी है, रास्ते भी बंद हैं, आगे जो भी कुछ प्रोटेस्टर्स हैं वो गाड़ियाँ अड़ा कर खड़े हो जाते हैं, तो ये कहीं शासन की प्रशासन की जानकारी के बिना होगा ऐसा लगता नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो BSF ने 50 किलोमीटर तक की सुरक्षा कर रखी है, IB की टीम केंद्र सरकार के पास है, और तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री को कोई वहाँ खतरा नहीं था। सर, इसी बात में इसी में जोड़ना चाहूंगा, सर प्रधानमंत्री कई बार हरियाणा भी आए, IB और SPG जिस तरीके से CM चन्नी कह रहे हैं कि उनके अंडर सारा प्रशासन आ जाता है, किस तरीके का स्टेट का गवर्नमेंट का या फिर जो पुलिस है उसका रोल रहता है जब प्रधानमंत्री स्टेट के अंदर आते हैं? देखिए, जितनी उनको पूर्व में जितना एग्जामिन करना होता है सब एग्जामिन किया जाता है, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है, पब्लिक में इस प्रकार का कोई विषय आता है तो ये जानकारियाँ वहाँ लोकल प्रशासनों को ही ज़्यादा होती हैं। वो तो रूट की, स्टेज की, जहाँ जाना होता है, एयरपोर्ट की, लैंड करने वाले हेलीपैड की, उनकी व्यवस्थाएँ वो देखते हैं। लेकिन जनता में जो कुछ होता है या कोई ग्रुप इस प्रकार का होता है, और उसके अंदर भी अब जो कहा जा रहा है वो तो ये भी कहा जा रहा है कि
पुलिस की ओर से भी उकसाया गया है उनके प्रोटेस्टर्स को, उनकी देख रेख अगर वो आते हैं वहाँ, तो ये इसमें कहीं ना कहीं वो आती है। डीएम साहब ये भी कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर ही वो आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। आज जब सबने अपने अपनी इंक्वायरी के हिसाब से जब आएगा तो हरियाणा से पंजाब सरकार की भी तो इंक्वायरी होनी है ना, उन्होंने भी तो अपनी इंक्वायरी बैठाई है, देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो किसी का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा वो देखेंगे। तो इसलिए कुछ बातें इस समय किसी बात को कंक्रीट तरीके से कहना ये उचित नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। आज हम गवर्नर साहब को ज्ञापन देकर के आए, गवर्नर साहब को ज्ञापन देकर के आए हैं, कल प्रधानमंत्री जी स्वयं भी राष्ट्रपति को मिले हैं। बाकी जैसा केंद्रीय हमारे पार्टी की यूनिट है जो निर्णय करेगी उस हिसाब से हम करेंगे। सीएम साहब जहां पे काफिला रुका था वो पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक है और वहां पर जो आतंकवादी गतिविधियां पहले भी रही हैं, 2015 में भी वहां पे इस तरह का कुछ हुआ था। तो दूसरा सीएम चेन्नई यदि इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि मैं प्रदर्शनकारियों पे गोली नहीं चला सकता था, लाठी नहीं चला सकता था, इस स्टेटमेंट को कितना गंभीर आप मानते हैं? क्या गंभीरता से दी हुई स्टेटमेंट थी या फिर पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया? देखिए प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी एक अलग विषय है, अगर वो अपनी उनकी सिक्योरिटी होती, उनके किसी मंत्री की होती, किसी एमएलए की होती, वहाँ के किसी विपक्ष के नेता की होती, किसी सामान्य आदमी की होती, मैं समझ सकता हूँ कि उस कॉस्ट पर वो एक उस सीमा से आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन जहाँ प्राइम मिनिस्टर का विजिट होगा, हर दृष्टि से उनको ये विषय कोई भी किसी सीमा तक जाना भी चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर नहीं था तो प्राइम मिनिस्टर का कोई एक दिन में अचानक दौरा नहीं बना, प्राइम मिनिस्टर का दौरा तो बहुत पहले बन जाता है। ये विषय उस समय उनको उठा करके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी कि मैं नहीं कंट्रोल कर सकता अपनी जनता को, तो जनता को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यानी उसको बना के रखना, ये उन्हीं का काम है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी अलग विषय है, सामान्य किसी व्यक्ति की सिक्योरिटी का अलग विषय होता है। वो 130 करोड़ जनता के यानी लीडर हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं, वो खाली एक नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आज अगर विपक्ष का कोई नेता पहुंच जाए तो वो कह सकते हैं कि हम भी उनकी सिक्योरिटी में उस प्रकार का हमने इंतजाम भी नहीं किए थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर। आपने जो राज्यपाल को ज्ञापन दिया है उसमें लिखा है कांग्रेस के गुंडे, राज्यपाल को जो ज्ञापन दिया, तो हम इस बिना पे पहुंच गए हैं या हमारा ये मानना है बीजेपी हरियाणा का, जिसमें क्योंकि आपने भी राज्यपाल से मिले, कि ये कांग्रेस के गुंडे थे जिन्होंने? मेरा कहना है कि जिन्होंने इस प्रकार की घटनाक्रम किया है वो कांग्रेस के हैं नहीं है सारा रिपोर्ट में सामने आ जाएगा, लेकिन उकसाने वाले आखिर उनके कार्यक्रमों का विरोध आज तक क्यों नहीं हुआ? सीएम पंजाब जगह जगह घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर ये प्रोटेस्टर हर किसी का विरोध करना तो उनका क्यों नहीं हुआ आज तक? केवल बीजेपी के नेताओं का या देश के प्रधानमंत्री का होता है तो इसके पीछे की मंशाएं तो साफ है। पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों के कोई लापरवाही नहीं हुई है, कोई चूक नहीं हुई है पंजाब पुलिस की तरफ से, क्या उनकी तरफ से जो कमेटी का गठन किया गया है उस पे यकीन है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी? वो तो केवल उनकी कमेटी नहीं है, पहली बात तो है कि अगर उन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया है कि कोई चूक नहीं हुई है तो उनको कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जब उन्होंने कमेटी बनाई है तो कमेटी एमएचए ने भी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चल रहा है, ये दूध का दूध पानी का पानी दो तीन दिन में होने वाला है। पंजाब पुलिस के अधिकारियों के मेमो लीक हुए हैं, उन्होंने सर तीन तीन बार प्रधानमंत्री के दौरे से तीन तीन बार पहले अलर्ट किया था सरकार को कि ये रोड जो है वो क्लियर होने चाहिए, तो आपको लगता नहीं है कि इन इन सूचनाओं के बावजूद भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है? हालांकि पूरी तरह से नकारा जा रहा है कि अचानक जो है दौरा बना। मैं तो कह रहा हूं कि ये सारी बातें तीन दिन के बाद होने वाली है। और इन सब में एक जो जिन्होंने प्रदर्शन किया था प्रधानमंत्री का काफिला रोका था, कल उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसने एक प्रश्न नोट जारी किया है, आपको पता होगा कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ प्रधानमंत्री आ सकते हैं, हमें एसएसपी ने कहा भी प्रधानमंत्री से यहाँ गुजरने वाले हैं, हमें यकीन नहीं था कि प्रधानमंत्री रोड से क्यों गुजरेंगे, अगर हमें पता था कि प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे तो हम रास्ता हटा लेते। तो उनका ये बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा कहना कि अगर इस प्रकार से वो बयान देते हैं कि हमें पता होता तो इसका मतलब प्रशासन ने कुछ नहीं किया वहाँ। प्रशासन को उन लोगों को बताने का काम तो प्रशासन का था, पंजाब प्रशासन ऐसे किसान नेताओं को बाकियों को सब बता सकते थे, और वो कहते हैं कि हाँ पता नहीं है और फिर भी वो आए हैं, तो ये भी हो सकता है कि उनको बता दिया हो इसलिए वो आए हैं, वो तो अगर उनको पता नहीं होता तो आते ही नहीं।
वो तो कह रहे हैं एसएसपी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री यहां से पीछे से आगे हट जाओ। सीएम चन्नी रूट जो है वो बता रहे थे पूरा प्रधानमंत्री का कि केवल बाय एयर रूट था हुसैनीवाला से भटिंडा जाने आने का। कभी कभी भी किसी भी ऐसे नेता के अल्टरनेटिव रूट सब जगह बनते हैं, यानी जहां उतरेंगे वहां से मौसम खराब होने का तो सबको पता ही है, पहले से ही पता है, आखिर दो दिन से ही पता है ये कि वहां मौसम खराब हो सकता है। तो मौसम खराब होने के बाद तो उनको एंटिसिपेट सब करते हैं, और ये प्रशासन का काम है कि अगर एंटिसिपेट किया है कि मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा तो कहां से जाएंगे, मशीन तो मशीन है। अब तो मौसम खराब है, मानो मौसम खराब ना भी हो तो भी हेलीकॉप्टर के अलावा बाय रोड जाने का रास्ता एक अल्टरनेटिव रखता ही प्रशासन है, सब जगह रखते हैं। अगर ये जो पंजाब के मुख्यमंत्री की जो इस पूरे मामले में भूमिका है, उस मामले में कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है यानी कांग्रेस का हाईकमान है राहुल गांधी सोनिया गांधी, उनकी तरफ से कोई इस तरह की क्लियर स्टेटमेंट नहीं आ रहा, क्या क्या मानते हैं क्या वो स्टेटमेंट देने के मैं समझता हूँ वो लायक ही नहीं है, क्योंकि अगर वो इसका समर्थन करते हैं पंजाब का तो मरते हैं, और अगर इस इनका विरोध करते हैं और मोदी जी के साथ खड़े होते हैं तो मरते हैं, वो तो बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी कई कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि भाई हाँ ये चूक है और ये भयंकर चूक है, तो ये सरकार के उसके ऊपर ठीक नहीं है, एग्जैक्ट शब्द क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कंडम किया है। नहीं, 5 को मेरा कार्यक्रम यहीं से ऑनलाइन जुड़ने का था, बल्कि हम लोग सारा वो दृश्य देख रहे थे कि जैसे सभी मुख्यमंत्री इवन चन्नी खुद भी ऑनलाइन ही उस कार्यक्रम में भाषण देने वाले थे, लेकिन हम देख रहे थे कि वो बैठे बैठे उठ करके जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई ना कोई उनके वहाँ लेवल के ऊपर कहीं कोई इस प्रकार का सेंसिटाइजेशन कोई ना कोई ऐसा मुझे लगता बना हुआ था जिसके कारण से उनको परेशानी कोई हो रही थी। अब वो उसको सपोर्ट कर रहे थे या कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अनइजी थे और अनइजीनेस में कुछ भी अंदाजा लगाया जा सकता है। सर, पंजाब डीजीपी और मुख्य सचिव भी प्रोटोकॉल के तहत रिसीव करने नहीं गए प्रधानमंत्री को, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटनाक्रम? नहीं, उनको जाना ही चाहिए, आखिर जो प्रोटोकॉल होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से जाना ही होता है। जहाँ कहीं एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि उसमें, अब उन्होंने कहा कि मुझे कोविड था इसलिए मैं नहीं गया, अब ये तो कोविड था कि नहीं था ये तो प्रमाण की बात होगी, प्रमाण मिल जाएगा, लेकिन विषय उतना बड़ा वो नहीं है। विषय तो इतना है कि अगर वो नहीं भी गए हैं प्रोटोकॉल में, उनको मान लो पॉलिटिकली उसका विरोध भी उन बातों का करना है, वो कोई इतना बड़ा एक्सक्यूज़ नहीं है। विषय तो है कि वहाँ पर पहुँचने में, वो तो देश के प्रधानमंत्री को देश में कहीं भी जाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को रास्ता साफ करना ही चाहिए। खैर, कुल मिलाकर के सारे विषय जो आपके सामने आए हैं, मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ कि तथ्य सामने आएंगे, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट भी आएगी, MHA ने भी कमेटी बनाई है वो भी आएगी, पंजाब सरकार ने बनाई है वो भी आएगी, और बहुत से ऐसे जो रिटायर्ड IAS IPS हैं वो भी इसके अंदर लगे हैं, एक्टिव हुए हैं, उन्होंने तो बड़ा पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को भी, हाँ राष्ट्रपति जी को, कि ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ है इससे हम शर्मिंदा है, नहीं होना चाहिए था, और उसमें कोई ना कोई चीज़ें स्पष्ट होकर आएंगी। अभी तो कंडम हमने किया है, कंडम कर इसलिए कर रहे हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का एकदम फॉल्ट है। आगे और कोई विषय www.globalpunjabtv.com